तो मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा सरप्राइज है गाइस तुम लोगों के लिए। तुम लोग लिटरली में यार इस चीज़ पर यकीन नहीं करोगे, बट तुम लोगों को यकीन करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ भाई सीरियसली में हो रही है फर्स्ट टाइम। तुम लोगों को पता होगा भाई, जब भी मैं इधर जाता हूँ उधर जाता हूँ या फिर कहीं कैयो पेरिको या नॉर्थ इंग्लैंड में जाने की ज़रूरत पड़ती है या फिर जल्दी किसी लोकेशन पे पहुँचना होता है, तो मैं ऐसे ही एयरपोर्ट पे आता हूँ एंड किसी का भी स्टंट प्लेन उठा लेता हूँ सिंपली इधर उधर जाने के लिए। मेरे पास कभी भी कोई प्लेन नहीं था एंड मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी खुद के लिए कोई प्लेन परचेज करूँगा, बट आज वो चीज़ हो रही है गाइस सीरियसली में, क्योंकि मैंने खुद के लिए परचेज किया है एक बहुत ही बड़ा सा आलीशान प्राइवेट जेट। यस भाई, बहुत ही बड़ा प्राइवेट जेट मैंने खरीदा है एंड वो प्राइवेट जेट है यहाँ पर, वो सामने की तरफ तुम लोगों को दिख रहा है भाई। ये थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीन एंड थोड़ा सा ही वाइट कलर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्राइवेट जेट यहाँ पर रखा हुआ है। ये मेरा प्राइवेट जेट है। यस भाई, ये प्राइवेट जेट अपने को मिला है टोटल 25 करोड़ का, जिसमें काफ़ी मेहनत लगी भाई ये पैसे इकट्ठे करने में, कलेक्ट करने में, लेकिन फाइनली आखिरकार आज मैंने इसे खरीद ही लिया है एंड कितना ब्यूटीफुल है तुम लोग एक बार खुद देखो भाई। मतलब सीरियसली मैं यार, ये प्लेन मतलब मैंने कभी देखा नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि मैं डायरेक्ट इतना बड़ा प्लेन खरीदूंगा। मैंने तो सोचा था थोड़े बहुत पैसे कलेक्ट करते हैं एंड एक स्टंट प्लेन खरीद लेंगे 5-6 करोड़ का। फिर मैंने सोचा कि नहीं, थोड़े से और पैसे डालते हैं एंड थोड़ा सा बड़ा सा स्टंट प्लेन खरीदेंगे 10-12 करोड़ का। फिर मैंने सोचा कि अबे जब 10-12 करोड़ मैं खर्च कर ही रहा हूँ तो थोड़ा सा और लगा देते हैं कि छोटा मोटा प्राइवेट जेट खरीद लेंगे 15-20 करोड़ का। फिर मैंने सोचा कि भाई जब मैं प्राइवेट जेट खरीद ही रहा हूँ तो क्यों ना बड़ा प्राइवेट जेट खरीदूं भाई, छोटा मोटा प्राइवेट जेट खरीद के फायदा क्या। इसीलिए ये प्राइवेट जेट मैंने खरीद लिया है पूरे 25 करोड़ का, जो कि काफी अच्छा है भाई सीरियसली में, लुक बहुत ही अच्छा है। अगर तुम लोग दूसरे प्राइवेट जेट से कंपैरिजन करो, काफ़ी सारे प्राइवेट जेट होते हैं वैसे यहाँ पर, मैं तुम लोगों को एक बार दिखाता हूँ भाई, रुको गाड़ी में बैठने दो मुझे, दिखाता हूँ मैं। देखो अपना हमारा ये वाला प्राइवेट जेट देखो एंड मैं तुम्हें दूसरे प्राइवेट जेट्स दिखाता हूँ लॉस सैंटोस के अंदर, जैसे कि किसी के पास ये ब्लैक वाला है, ठीक है ये ब्लैक वाला देखो भाई। इसके अलावा ये वाला देखो, तुम लोग अगर इन प्राइवेट जेट्स को देखोगे तुम्हें लगेगा कि अरे यार ये तो मेरे प्राइवेट जेट जैसा ही है। नहीं भाई, ये बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्राइवेट जेट जैसे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तुम्हें अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगा। फिलहाल चलते हैं एक बार, तुम्हें अपने प्राइवेट जेट का टूर करवाता हूँ मैं, बहुत ही आलीशान है भाई। सबसे पहले तो मैं ये दिखाता हूँ उन वाले प्राइवेट जेट से मेरा ये प्राइवेट जेट अलग क्यों है, पहले तो ये दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ओके, ये ओपन करते हैं गेट को, काफ़ी ब्यूटीफुल, एंड एंटर करते हैं एंड सिंपली अभी मेरे को टेक ऑफ नहीं करना है, जस्ट सिंपली उन प्राइवेट जेट्स के बगल में ले जाकर लगाना है मुझे, ताकि मैं तुम लोगों को डिफरेंस बता सकूं। ओके आ गए भाई, अब देखो ज़रा डिफरेंस, आई होप तुम लोगों को अब एकदम क्लियर डिफरेंस पता चल गया होगा प्राइवेट जेट्स के अंदर। अगर अभी भी नहीं पता चला है तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल एकदम साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखा रहा हूँ भाई। ये देखो वो प्राइवेट जेट देखो एंड ये प्राइवेट जेट देखो भाई, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मेरा प्राइवेट जेट कितना बड़ा है, ये कितना छोटा लग रहा है इसके सामने, बच्चा सा लग रहा है भाई ये। यही सीन उस रेड वाले के साथ भी है, उधर ले जाके मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई, साइड बाय साइड कंपैरिजन में पता चलता है। ऐसे तो लगता है सारे प्राइवेट जेट एक जैसे ही है, बट साइड बाय साइड कंपैरिजन में देखो वो कितना ज़्यादा छोटा प्राइवेट जेट है एंड ये मेरा वाला प्राइवेट जेट देखो कितना ह्यूज है उसके कंपैरिजन में। उसके ज़रा एक बार विंग्स तो देखो भाई, मेरे एक विंग का साइज उस पूरे प्राइवेट जेट जितना है, इतना बड़ा प्राइवेट जेट है हमारा ये। अभी तो 25 करोड़ का है, देख सकते हो क्लियर देखो भाई क्लियर। इसकी हाइट देखो कितनी सी है, ठीक है, एंड इसकी हाइट देखो भाई कितनी अच्छी खासी, बल्कि मेरे डबल से भी ज़्यादा हाइट है इस प्राइवेट जेट की। तो यही डिफरेंस था गाइज, एंड मैंने टॉप ऑफ द लाइन प्राइवेट जेट खरीदा, मतलब जितना एक्सपेंसिव हो सकता था, जितना एक्सपेंसिव मिल सकता था एंड जो मेरे बजट के अंदर आ सकता था, मैंने वो वाला परचेज किया है। खैर अब बहुत प्राइवेट जेट की तारीफ हो गई, अब एक बार ज़रा इसका टूर बनता है भाई, अंदर से तो देखें कि आखिरकार कैसा है ये अंदर से एंड क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं इसके अंदर, ये भी देखना बनता है। तो ज़रा इधर साइड में लगाते हैं एंड देन फिर इसको हवा में लेके चलेंगे भाई, एंड अपने अकेले भी नहीं जाने वाला, अपने सारे फ्रेंड्स को भी बुलाने वाला हूँ मैं, उनको भी तो चमकाऊँ अपना ये प्राइवेट जेट। फिलहाल रोकते हैं इसे एंड इस तरीके से हम लोग बाहर आ सकते हैं। ओ न ओ न ओ रुक जा भाई रुक जा, बस रुक जा। ओके,
तो चलते हैं ज़रा इस प्राइवेट जेट के अंदर एंड मैं तुम्हें भाई फील करवाता हूँ कैसा है ये। अबे पे क्यों चढ़ गया, अंदर चलते हैं। फर्स्ट पर्सन व्यू में दिखाना पड़ेगा ताकि और अच्छी तरीके से दिखे। तो ये है देखो गाइस पायलट्स का कॉकपिट। सबसे पहले तो यहाँ से सिंपली हम लोग अंदर एंटर कर सकते हैं। अंदर एंटर करते ही पायलट यहाँ पर चले जाएंगे एंड ये है कुछ स्पेशल लोगों के लिए, स्पेशल फील के लिए प्राइवेट जेट। यहाँ पर कुछ चेयर्स वगैरह है बैठने के लिए। इसके अंदर मैंने काउंट नहीं किया कितने बंदे आराम से बैठ सकते हैं, फिर भी एक बार देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10 एंड 3 बंदे, मतलब 15 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पायलट को काउंट कर लिया जाए तो 15 बंदे फिट हो सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिलहाल ये है कॉकपिट, देखो भाई। ओ तेरी कितने सारे बटन्स है, ऊपर की तरफ कितने सारे बटन्स है, वो भाई काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बट फिर भी ठीक है, आता है मेरे को चलाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ हेलीकॉप्टर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी मैं सीख रहा हूँ, बट प्लेन तो आता है भाई। लैंडिंग भी बढ़िया तरीके से आती है एंड टेक ऑफ भी। खैर अभी ज़रा प्राइवेट जेट के अंदर थोड़ा घूमते हैं। तो ये देखो गाइज, ये सीट्स हैं, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। यहाँ पर जिसको अगर पूरा सोफ़ा चाहिए या फिर लेट के ट्रैवल करना है वो लेट के ट्रैवल कर सकता है। जिसको यहाँ पर आराम से बैठ के खिड़की से नज़ारे लेने हैं वो खिड़की से नज़ारे ले सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ड्रॉअर वगैरह है और इधर की तरफ ये वॉश बेसिन एंड ये थोड़ा सा किचन टाइप का इलाका है। किचन भी है भाई, प्राइवेट जेट है, ये सब तो होगा ही। एंड ये क्या है ऐसी बेमतलब में। एंड ये इमरजेंसी एग्जिट है इधर पीछे की तरफ, और पीछे कुछ भी नहीं है। वॉशरूम की बात की जाए तो वो कॉकपिट के जस्ट बगल में ही है, आगे की तरफ यहाँ पर है ये वॉशरूम, ये रहा दरवाज़ा। तो ये सीन है भाई, आई गेस प्राइवेट जेट का इंटीरियर तुम लोगों को बढ़िया लगाओ भाई। 25 करोड़ में और क्या ही चाहिए, बढ़िया है, लग्जरी इंटीरियर है, विंडो भी काफ़ी अच्छी अच्छी है, गोल गोल। निकलते हैं अभी बाहर। ओके नाइस। अब देखो भाई, मैंने भले ही ये प्राइवेट जेट परचेज़ किया हो एंड भले इसके अंदर पैसे जो हैं मेरे ही लगे हों, बट मैं क्या सोच रहा हूँ यार, अपने सारे दोस्तों को इन्वाइट करते हैं एंड उनको भी ज़रा टूर करवाते हैं अपने इस प्राइवेट जेट का, उनको बिठा के इसके अंदर पूरे लॉस एंटोस की सैर भी करवाएंगे, तभी तो आएगा असली मज़ा। तो चलते हैं, पहले रुको यार, सोचने दो किसको उसको बुलाना है। पर्सनल इनवाइट दूंगा मैं सबको जाके। माइकल हो गया, अपना ट्रेवर हो गया, अपना लेस्टर हो गया, ये तीन बंदे तो फिक्स हैं एंड एक लैमार, हाँ चार बंदे। ठीक है भाई, इन चारों को बुलाते हैं, माइकल, ट्रेवर, लेस्टर एंड लैमार। साइमन भी वैसे अपना दोस्त है बट उतना कुछ पक्का दोस्त नहीं है भाई, वक्त आने पे धोखा सा दे देता है वो, तो किस बात का दोस्त हो। नहीं नहीं ये चार बंदे ठीक है, तो चलो फिर देर किस बात की, सबको जाकर पर्सनल इनवाइट करके आते हैं। लेट्स गो गाइस। कितने बज रहे हैं अभी, 11 बज रहे हैं, सबको बोल देते हैं भाई कि 1 बजे तक आ जाना, तुम लोगों के लिए सरप्राइज़ है। हाँ मैं डायरेक्ट नहीं बताऊँगा मैंने प्राइवेट जेट खरीदा है, किसी को भी मैं डायरेक्ट बताना ही नहीं वाला, मैं बस ऐसा बोल दूंगा भाई तुम लोगों के लिए सरप्राइज़ है, एयरपोर्ट पे आ जाना, मज़ा आ जाएगा। चलते हैं गाइज क्विकली। चलो भाई सबसे पहले एक काम करते हैं, लेस्टर के घर निकलते हैं, देन फिर लैमार को भी वहीं पे बोल देंगे एंड फिर उसके बाद और कौन रह गया, लेस्टर, लैमार, माइकल को उसके घर जाके बोलना पड़ेगा, ट्रेवर के भी घर जाके बोलना पड़ेगा। एक काम करते हैं, पहले ट्रेवर को बोल के आते हैं, उसका घर कुछ ज़्यादा ही दूर है। यस उसको सबसे पहले बोल के आते हैं। चलो भाई निकलते हैं सबसे पहले ट्रेवर के घर की तरफ, लेट्स गो। पहुंचने वाला हूँ भाई सैन एंड्रियास एंड ट्रेवर को ज़रा पहुंच के इनविटेशन दे देते हैं। ये काफ़ी दूर रहता है इसलिए यहाँ पर सबसे पहले आया हूँ, ताकि अभी निकल जाए एंड टाइम पर पहुंच जाए। देखो इसके घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेवर का घर ढूंढने में पता है, आराम से मिल जाता है। माइकल का तो ऑब्वियसली पता ही है एंड लेस्टर के घर तो मैं रोज ही जाता रहता हूँ, तो उसका घर तो पता ही है। लैमार का घर नहीं पता यार, ये रहा देखो ट्रेवर का, बिल्कुल रोड के साइड में ही है, ये रहा बाहर। ट्रेवर भाई कैसे है हाल चाल, एक इन्विटेशन देने आया हूँ यार, कुछ सरप्राइज है तो तेरे लिए भाई, आज ही जरा एयरपोर्ट पे। अबे बहुत ही एपिक सरप्राइज है, अल्टीमेट सरप्राइज है, तो खुश हो जाएगा भाई। आज एयरपोर्ट पे भाई 1 बजे, ठीक है पहुंच जियो 1 बजे, आ जियो भाई ध्यान से। माइकल, लेस्टर, लैमार वगैरह सब आने वाले हैं, तू भी आ जाइयो। ओके ड्राइवर को बोल दिया, अब निकलते हैं भाई माइकल के घर, फिर लेस्टर एंड देन फिर लास्ट में लैमार को कॉल करके लेस्टर के घर ही बुला के, हाँ दोनों को वहीं बोल दूंगा, ये ठीक रहेगा क्योंकि लैमार के घर का तो एड्रेस ही भूल गया हूँ मैं। चलो भाई अब माइकल के घर चलते हैं, लेट्स गो फुल स्पीड। वैसे इस वाले रास्ते पे क्या स्पीड आती है भाई रेंज रोवर में, 380 की रफ्तार, 400 की रफ्तार से भगा रहा हूँ भाई, 425 की रफ्तार से रेंज रोवर भगा रहा था मैं। ओह
425, क्या एपिक स्पीड थी भाई। पूरा गाड़ी से बाहर निकल के गिर गया मैं, विंडशील्ड पूरी टूट गई है, पूरी की पूरी चकनाचूर आ गई थी। कोई बात नहीं, रिपेयर करवा लेंगे, दिक्कत की कोई बात थोड़ी ना है। फिर भगा दें फुल स्पीड। ओ नो 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 नो, आउट ऑफ कंट्रोल। ओ भाई सब, बच गए, पेड़ ने बचा दिया, वरने ये चार। अबे लॉस गैंग वाले फालतू कैसे बोल रहा है वे भाई, फालतू बोल रहे हैं तो लॉस गैंग वाले। बस सुबह 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 पागल पागल हो गए हो क्या भाई? बेटा तुम्हें पता भी है, तुम लोग तेरी मुक्का मार रहा है, तुझे पता भी है तू किसे मुक्का मार रहा है। बेटा बहुत अमीर हो गया हूँ मैं, मेरे पास प्राइवेट जेट है 25 करोड़ का, समझे? लॉस गैंग वालों, तुम लोग बस ऐसी छोटी सी झोपड़ी बना के इस साइड में रहना जिंदगी भर। यहाँ मैंने पूरा का पूरा 25 करोड़ का प्राइवेट जेट खरीद लिया है। खैर छोड़ो गाइस, इनसे क्या ही लड़ रहा हूँ मैं। मैं कहाँ जा रहा था, हाँ माइकल के घर क्विकली निकलते हैं एंड उसे भी इनवाइट करके आते हैं। ओके फाइनली माइकल के घर पहुँच चुका हूँ भाइयों। इसका दरवाज़ा हमेशा की तरह आज भी ओपन नहीं होने वाला। आई नो भाई, मैं सेंसर ठीक करवा ले भाई माइकल, इन दरवाज़ों के सेंसर ठीक करा ले, वरना हमेशा ज़िंदगी भर मुझे तेरे घर में चोरों की तरह ही घुसना पड़ेगा। आज भी गाइस चोरों की तरह ही एंट्री ले रहा हूँ मैं। क्या करूँ, ऑप्शन ही नहीं है भाई, वो खुलता ही नहीं है दरवाज़ा। पता नहीं कैसे फालतू के सेंसर लगे पड़े हैं इसमें, ओपन ही नहीं होता। कभी कभी ओपन हो जाता है, कभी ओपन ही नहीं होता। खैर माइकल कहाँ है? वेयर इज स्टूपिड माइकल? माइकल भाई इधर नहीं है, तो इसका मतलब पक्का वो अपने स्विमिंग पूल की तरफ हो गया। एंड यस, अपने स्विमिंग पूल की तरफ है। और आज क्या बात है भाई, गिटार बजा रहा है। ओह मस्त बजा रहा है भाई ये तो, भाई लिटरली मैं बढ़िया बजा रहा है गिटार तो। अरे वाह यार क्या टैलेंट है। खैर मेरे को तेरे टैलेंट से कोई मतलब नहीं है माइकल भाई। वो एक तुझे भाई इनविटेशन दे रहा था, एक बहुत ही सरप्राइज है तगड़ा वाला तेरे लिए। तो आ जाओ भाई एयरपोर्ट पे 1 बजे तक, एयरपोर्ट पे लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच जाइए आज से। चलता हूँ मैं। तो माइकल तो निपटा दिया, अब लेस्टर एंड लेमार दोनों को एक साथ ही निपटा देते हैं। लेमार को कॉल करके कह देता हूँ भाई लेस्टर के घर पहुँच, चलो भाई। ओके कौन सी गली है लेस्टर की? मैंने वैसे कॉल करके लेमार को बुला दिया था भाई लेस्टर के घर, आई गेस पहुँच गया होगा वो। हाँ वो पहुँच गया है वो तो रहा। हेलो भाई लेस्टर, लेमार भाई कैसे हाल चाल? एक्चुअली मैं भाई लेमार, मैंने तुझे इसलिए बुलाया ताकि मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था, तुम दोनों को एक साथ बता दूँ, इसलिए मैंने तुझे बुलाया। वहाँ पर आ जाओ एयरपोर्ट पे, 1 बजे तक पहुँच जाना, तुम लोगों के लिए एक बहुत ही तगड़ा सरप्राइज़ है। क्या सरप्राइज़ है वो नहीं बताऊँगा मैं, पहुँचो तुम लोग वहाँ पे, खुश हो जाओगे इतना बता सकता हूँ उस सरप्राइज़ को देखने के बाद, ठीक है? तो पहुँच जाना भाई टाइम पे, निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ गाइस। चलो भाई थोड़ी देर में 1 वैसे बजने ही वाले हैं, लेट्स गो। तो पहुँचने वाला हूँ भाई एयरपोर्ट पर एंड अभी फ़िलहाल 1 बजने में सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा बाकी है, जो कि सही है ताकि मैं डिसाइड कर सकूँ कौन कहाँ बैठेगा, ये भी तो तय करना पड़ेगा। लेट्स एंटर। हेलो भाई साहब ओपन कर दो। कभी भी एक तो ये गार्ड ओपन नहीं करता, इस चीज़ पे मुझे बहुत गुस्सा आती है भाई, लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं। चलो भाई निकलते हैं हमारे ब्यूटीफुल से प्राइवेट जेट की तरफ। उस पर चीटियाँ, अबे चीटियों जैसे ये बंदे लग, बंदे कहाँ से आ गए? हाँ डेफिनेटली उस पर बंदे हैं भाई, कैसे किसी चीज़ पे चीटियाँ लग जाती है। वैसे ही मेरे प्राइवेट जेट को बंदों ने घेर लिया है, वैसे ये हैं कौन? वेट अ सेकेंड, कहीं ये लॉस गैंग वाले तो नहीं है लग रहा है। फिलहाल तुम लोग सोचोगे मेरी गाड़ी का क्या हुआ, मैंने गाड़ी रिपेयर करवा ली थी रास्ते में, बट ये भाई लॉस गैंग वाले ही लग रहे हैं। एक सेकेंड फ़ोन से जूम करके देखता हूँ, अभी पता चल जाएगा। लेट्स जूम इन एंड हियर वी गो। यस ये लॉस गैंग वाले ही हैं एंड अपनी गन लेके पहुँच गए हैं भाई। अबे यार मुझे पता है ये लोग क्यों पहुँच गए, मैंने वहाँ रास्ते में पंगे नहीं ले लिए थे यार? तुम लोगों को अभी याद होगा थोड़ी देर पहले की बात है, जब ड्राइवर को इनवाइट करके उसके घर से मैं लौट रहा था, तो थोड़ी बहुत यार बहस हो गई थी 2-4 लॉस गैंग वालों से। अबे यार और उस बहस में मेरे मुंह से निकल गया जोश जोश में कि भाई पता भी है मैं कितना अमीर हूँ, मेरे पास एक प्राइवेट जेट है खुद का 25 करोड़ का, इतनी लंबी लंबी फेंक दी और ये लोग पहुँच गए। अबे यार क्या करूँ मैं, क्या अटैक करते हैं इनकी ऐसी की तैसी। हेलो भाइयों, हेलो लॉस गैंग वालों, तुम लोगों के पास 2 ऑप्शन है, या तो भाग लो या तो मर जाओ यहाँ से, ठीक है? क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहोगे? ओके थैंक यू फॉर टेलिंग मी, मरने का ऑप्शन सेलेक्ट करना चाह रहे हो तुम लोग, ठीक है? तुम्हारे लिए तो मेरी पिस्टल ही काफ़ी है, ये लो बेटा। ओके गाइस आराम से भाई, क्लोज आ रहा है मेरे यहाँ पे, क्लोज रेंज में फाइट करेगा तो ये ले। आई सब पिस्टल से बंदे निपटा रहा हूँ, इनके पास लिटरली में गाइस राइफल है एंड मैं पिस्टल से बंदे निपटा रहा हूँ भाई। क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं ये टकले,
एक तो ये चीज़ समझ में नहीं आती, ये हमेशा टकले ही क्यों होते हैं लॉस गैंग वाले। ओके ओके इधर आ रहा है तेरी, रुक बे, अबे रुक जा, ओ नो रिलोड, गलत टाइम पे रिलोड आता है। ओ नो इन शीशों के अंदर से भी पड़ रही है भाई गोलियाँ। शॉट गन मैंने निकाल लिया है, ये ले बेटा, एंड ये लो सर जी, इधर कोई आ गया है क्या, ये लो सर जी, ये लो सर जी, ये लो एंड ये लो भाई साहब, एक बंदा उधर और है, ये ले। अबे लगती क्यों नहीं है इसके, लग गई पैर पे। नहीं नहीं एक और बंदा है वहाँ पर, वो देखो प्लेन के ऊपर, वो देखो नीचे आया। ये ले बे चल निकल, ये ले एंड एक और उधर, भाग के कहाँ जाएगा, भाग कहाँ रहा है बेटा, भाग कहाँ रहा है, भाग कहाँ रहा है, भाग रहा है तो निकल चल। ओके गाइज निपटा दिया भाई लॉस गैंग वाले। अबे वैसे एक चीज़ सही हुई गाइज, इन बंदों को मैंने मेरे दोस्तों के आने से पहले ही निपटा दिया। यस पता चला भाई लेस्टर वेस्टर आते और ये सब बंदे यहाँ पर होते तो और ज़्यादा गड़बड़ होने के चांसेस थे। अबे प्लेन के अंदर भी बैठा था एक, तेरी ऐसी की तैसी, अभी निकला है वो फिर बैठ गया क्या भाई, वो लिटरली में टेक ऑफ करके ले गया क्या प्लेन, अरे वो प्लेन ले गया मेरा भाई, वो लिटरली में मेरा प्लेन ले गया बंदा। भाई इस रेंज रोवर पे कितनी गोलियां पड़ी है भाई, साइड से इसका हाल देखो, लेकिन इसे छोड़ो, वो प्लेन कहाँ लेके चला गया मेरा। अबे मैंने अपने सारे दोस्तों को इनवाइट कर दिया यार सरप्राइज के लिए, वो बंदा मेरा प्लेन लेके भाग गया। ओ नो वो शायद वही था जिसको मैंने छोड़ दिया, मैं कह रहा भाग जा भाई भाग लेने दो उसे। ओ नो 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 गाइस ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भाई, वो कहाँ जा सकता है प्लेन लेके, अरे बहुत गलत सीन है भाई, ये बहुत गलत सीन है, वो इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। अबे वो इतनी जल्दी गायब कहाँ हो गया, एक सेकंड यहाँ पर वो लॉस सैंटोस से ज़्यादा दूर तो जाएगा नहीं, पता नहीं उस बंदे को प्लेन भी उड़ाना आता था कि नहीं, डेजर्ट वाले रनवे की तरफ मे भी गया होगा, चलते हैं गाइज। अबे यार इन बंदों को प्लेन भी उड़ाना आ गया लॉस गैंग वालों को, क्या क्या सीख जाएंगे ये। ओके डेजर्ट वाले रनवे की तरफ चलते हैं गाइज, वहीं पे मे भी गया होगा वो, लेट्स गो, कहाँ है वो डेजर्ट वाला रनवे, वो रहा, नज़र तो नहीं आ रहा है, इतनी जल्दी वो कैसे उड़ गया यार, ऊपर तो नज़र नहीं आ रहा मेरा प्राइवेट जेट, तो पैसेंजर प्लेन वगैरह है। ओ नो क्या कर रहा हूँ मैं, अबे यार क्रैश व्रैश तो नहीं कर दिया उसने मेरा प्लेन, पता नहीं गाइज मेरी आंखों के सामने से टेक ऑफ करके निकल गया वो, मैं तो यही देखने में रह गया कि वो बंदा बैठ रहा है कि बैठा था अंदर फिर बाहर निकल रहा है, यही देखने के चक्कर में वो तो टेक ऑफ कर गया। यहाँ तो डेफिनेटली कोई नहीं है, पूरा रनवे खाली है यहाँ, नहीं तो कहीं वो नॉर्थ एंगटन या कैव पैरी को तो नहीं निकल गया। अबे यार एक बजे मैंने अपने दोस्तों को इनवाइट किया है भाई, वो लोग आते ही होंगे, मेरा बहुत ही तगड़ा पोपट होने वाला है भाई, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, यहाँ डेजर्ट वाला रनवे तो पूरा ही खाली है भाई, यहाँ तो कोई भी नहीं है कोई भी, अब क्या करूँ मैं, वो कहाँ गया होगा फिर मेरा प्लेन लेके भाई, अब नो आइडिया भाई। एक सेकेंड ये जो विलेज की तरफ रनवे है छोटा सा, एक बार वहाँ भी चल के देख लेते हैं भाई, मे बी वहाँ पर पहुँच गया हो वो मेरा प्लेन लेके। भाई लॉस गैंग वालों को बताओ प्लेन उड़ाना आ गया, सीरियसली में कोई बात होती है ये। ये विलेज वाला रनवे इधर की तरफ है, देखते हैं चांसेस तो नहीं है, मुझे तो लग रहा है वो लेके गया भाई, या तो नॉर्थ एंगटन लेके गया या तो कैव पैरी को, या तो उसने पानी वानी में कहीं क्रैश कर दिया होगा, यही दो चीज़ें हो सकती हैं। इस विलेज वाले रनवे पे एक प्लेन नज़र तो आ रहा है भाई सामने की तरफ, पता नहीं अब वो मेरा ही प्लेन है भाई, फाइनली मिल गया। वो कहाँ है बे, वो लॉस गैंग वाला कहाँ है जो मेरा प्लेन ही लेके उड़ गया, कि ऐसी की तैसी, कहाँ है बे तू, एक बार सामने तो आ बिट्टा, तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। पता नहीं गैस कहाँ चला गया वो बंदा, अंदर तो नहीं है, नहीं अंदर तो खाली है सीट वगैरह, शायद भाग गया वो डर के मारे, खैर छोड़ो गया तो गया, अपना प्लेन तो मिल गया एटलीस्ट, दोस्तों के सामने नाक तो नहीं कटेगी भाई। प्लेन नहीं मिलता तो मैं कहता क्या उन चारों को, वो चारों आ जाते कि हाँ भाई बताओ क्या सरप्राइज़ है तुम्हारा, फिर मैं क्या कहता कि ये देखो रेंज रोवर इस पर इतनी सारी गोलियां पड़ी है ये सरप्राइज़ है। ओ भाई बच गए, अब क्या करूँ मैं, हाँ क्या करूँ क्या, इसको लेकर फटाफट से लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट निकलते हैं, मेरे को तो अच्छी तरीके से उड़ाना आता ही है। ओके यहाँ से आराम से इतनी सी जगह में टेक ऑफ करना है मुझे, हो जाएगा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखो गाइज ये है इंटीरियर, कुछ काफ़ी एपिक इंटीरियर है, यहाँ कंट्रोल्स हैं टेक ऑफ करने के लिए, रेडी फॉर द टेक ऑफ एंड हियर वी गो, नाइस टेक ऑफ भाई, इतनी सी जगह में क्या एपिक टेक ऑफ किया है मैंने भाई, सब ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था वो जो सामने की तरफ वो जो घर था उसमें टकराएगा अपना प्लेन, बट नहीं टकराया, बच गए। अब इसको जल्द से जल्द हम लोग लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेके उड़ते हैं, वहाँ सिंपली लैंड करते हैं,
थोड़ी देर में मेरे दोस्त आते ही होंगे, या फिर मुझे लग रहा है जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक वो लोग पहुंच चुके होंगे। सही है, सही टाइम पे मिल गया अपना प्लेन, लेट्स गो। देख रहे हो तुम लोग 350-400 की रफ्तार है भाई, 450 की रफ्तार। तुम लोग स्पीड देख रहे हो प्लेन की, जबकि कोई बूस्ट वूस्ट कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, तब ये है स्पीड 550 की रफ्तार विदाउट एनी बूस्ट विदाउट एनीथिंग। बताओ ये देखो सुपरसोनिक स्पीड 550 की रफ्तार से उड़ रहा है भाई ये प्राइवेट जेट विदाउट एनी बूस्ट, ये कितनी ज़्यादा बड़ी बात है। फिलहाल इसकी स्पीड स्लो करते हैं एंड लैंड करने की कोशिश करते हैं नीचे वाले, ये पतले वाले रनवे पे लैंड करते हैं जो कि प्राइवेट जेट्स के लिए ही है स्पेशली। आराम से सिंपली देखो भाई, टेक ऑफ तो तुम लोगों ने मेरा देखा ही, अब देखना लैंडिंग कितनी परफेक्ट करूँगा भाई। प्लेन तो आता है मुझे, प्लेन में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लैंडिंग के लिए रेडी एंड हियर वी गो, सिंपली प्यारी सी लैंडिंग एंड सिंपली बस बस बस। एंड यहाँ पर ये देखो भाई कितनी प्यारी लैंडिंग, कितनी स्मूथ लैंडिंग, कितनी प्यारी लैंडिंग हुई है। बस हो गई भाई लैंडिंग, पहले पीछे वाले पहिया आए ज़मीन पे एंड अब आगे वाला पहिया आ गया ज़मीन पे, एंड बहुत ही प्यारी सी लैंडिंग। मिल गया भाई मेरा प्राइवेट जेट, मुझे वापस मिल गया। अब अपने दोस्तों के आने का इंतज़ार करते हैं। तो देखो भाई इसे कहते हैं दोस्त, 1 बजे तीनों के मतलब चारों के चारों पहुँच चुके हैं। वेलकम माई फ्रेंड्स, वेलकम। एंड ये था मेरा सरप्राइज़, मैंने ये अल्टीमेट लुकिंग प्राइवेट जेट परचेज़ किया है पूरे 25 करोड़ में, एंड मैं तुम लोगों को इसी प्राइवेट जेट के साथ सरप्राइज करना चाहता था। कैसा लगा भाई बताओ? बढ़िया लगा ना भाई? सिर्फ यही नहीं, तुम चारों को फ्री ट्रिप भी मिलने वाली है इसके संग। तो जाओ भाई, जिसको जो जगह पसंद आ रही है वो जगह पकड़ के बैठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड देन फिर हम लोग टेक ऑफ करेंगे। बैठो बैठो, चिल करते हो बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कोई सी भी जगह पसंद है आ जाओ। लेमार भाई सबसे पहले तू अपने लिए जगह सेलेक्ट कर। तो लेमार ने भाई अपनी सीट पकड़ ली है, वोरा लेमार आराम से बैठ गया है। अब ट्रेवर भाई आप अपनी जगह देख लो, आपको कहाँ बैठना है। ट्रेवर भी अपनी सीट पकड़ चुका है, मैं तुम लोग को दिखाऊंगा भाई कौन कहाँ बैठा है, रुक जाओ। माइकल एंड लेस्टर तुम लोग भी जाकर बैठ जाओ। तो अपने सारे दोस्त बैठ चुके हैं प्राइवेट जेट के अंदर, एंड देख लेते हैं भाई सब आराम से बैठ गए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो लेमार भाई कोई प्रॉब्लम है आपको बता दो, अगर अभी प्रॉब्लम है तो आगे की तरफ चलते हैं अपने मेरे को लगा ही था ये ट्रेवर पक्का सो ही जाएगा भाई। तो लेमार अकेले विंडो सीट पे बैठा है, ट्रेवर यहाँ पर बैठा है, एंड दो पक्के दोस्त आमने सामने बैठे हैं। एक तरफ माइकल बैठा है एंड एक तरफ लेस्टर बैठा है, दोनों लगता है भाई इधर चेस या लूडो खेलने वाले हैं। खैर अब बारी है इस प्लेन की टेक ऑफ की। सारे दोस्त तैयार, एवरीवन रेडी फॉर द टेक ऑफ। दोस्तों अबे बोलो ना बे, यार बोल नहीं रहे ये लोग। इन बंदों की लाशें नहीं देखी इन लोगों ने, बच गए वरना पूछते ये सब क्या हो रखा है इधर। ठीक है भाई टेक ऑफ के लिए तैयार। तो पीछे कितने बटन है भाई, ये कितनी गिनती है इधर, क्या सीन है ये। तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा टेक ऑफ कर लिया है मैंने, एंड क्या ही शानदार टेक ऑफ किया है। वाह भाई ये पूरे लॉस सैंटोस का चक्कर लगाएंगे, एंड इन द एंड रात को मैं यहाँ पर स्वीटली लैंड कर दूँगा, यही अपना टारगेट है गाइज। एंड इस तरीके से एक ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी भाई, एंड मज़ा आ जाएगा मेरे सारे दोस्तों को। करते हैं यही करते हैं, एक चक्कर पूरे लॉस सैंटोस का एंड देन ट्रिप कम्प्लीट। ठीक है भाई, ठीक है चलो भाई, एंड थोड़ी स्लो स्पीड में ही भगाएंगे, ज़्यादा स्पीड नहीं, वरना तो भाई अभी आधे घंटे के अंदर ही पूरे लॉस सैंटोस का एक चक्कर लग जाएगा। सिंपल स्पीड में भगाएंगे, 300 की स्पीड आएगी ठीक रहेगी। कैसा फील हो रहा है भाई दोस्त के प्राइवेट जेट के अंदर बैठ के, कैसा फील हो रहा है बताओ भाई। एंड तुम लोगों को कैसा लगा गाइस हमारा ये प्राइवेट जेट, कमेंट में जाकर बताओ भाई। यस अभी जाकर, ओ नो सामने से प्लेन आ रहा है, स्टंट प्लेन है वो। अच्छा नहीं प्लेन जा रहा है, एंड मेरी स्पीड उससे तेज है, वाह भाई। तो कैसा लगा तुम लोगों को गाइस हमारा ये प्राइवेट जेट भाई, अभी के अभी जाकर कमेंट में बताओ। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक करो, इंस्टाग्राम एंड एक्स पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यस अभी के अभी जाओ फॉलो करो। एंड कैसा लगा भाई ये प्लेन, कैसा लगा बताओ भाई कमेंट में। लॉस सैंटोस के प्राइवेट जेट ज़्यादा बढ़िया है या फिर ये वाला प्राइवेट जेट ज़्यादा बढ़िया है, ये बताओ भाई सबसे पहले तो तुम लोग कमेंट में। मेरे हिसाब से तो भाई मेरा वाला प्राइवेट जेट बढ़िया है, वो लॉस सैंटोस के प्राइवेट जेट से ज़्यादा स्टंट प्लेन लगते हैं, इतने छोटे हैं। एंड ये देखो कितना ह्यूज है, कितना फास्ट है भाई, ऑलमोस्ट 600 की रफ्तार से चल रहा है ये, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड होती है। इतनी अच्छी स्पीड तो पैसेंजर प्लेन्स की नहीं है लॉस सैंटोस के। फिलहाल यहाँ पर उड़ते उड़ते भाई रात हो चुकी है, एंड रात को ये प्लेन देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और रात को सिटी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, और मैं इतने नीचे नीचे की उड़ा रहा हूँ यार, थोड़ा और ऊपर चलते हैं।
ये बादल छा रखे हैं भाई, लाइट वाइट क्या मस्त जल रही है। वाओ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार, ये खूबसूरत सा आसमान तारों से भरा हुआ। एंड ये मेरा प्लेन उड़ रहा है और इसके अंदर बूस्टर भी है, बट बूस्टर यूज़ करके भी गाइस इसकी स्पीड उठती है। फिलहाल उधर देखो एक पैसेंजर प्लेन है एंड मैं उससे आगे निकल गया हूँ, क्या बात है भाई। बूस्टर यूज़ करके भी 575 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, विदाउट बूस्टर भी तुम लोग देखो 575 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। कुछ खास फर्क है नहीं वैसे बूस्टर से। नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर लैंडिंग। भाई कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, लॉस एंजेलोस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इस टाइम पे। बट जो भी हो आई नो दोस्तों, मज़ा तो आया होगा तुम लोगों को, ट्रेवर, लेमार, माइकल, लेस्टर। बट अब टाइम है भाई लैंडिंग का, एंड लैंडिंग करते हैं सिंपली, स्मूथ लैंडिंग प्लीज़। ओके लेट्स गो, आराम से इधर। एंड एक सेकेंड, इस वाले रनवे पे नहीं हो पाएगी भाई लैंडिंग, रुको, इस वाले रनवे पे करनी पड़ेगी। एंड टाइम पे मैंने चेंज किया ये डिसीज़न रनवे पे लैंडिंग का। ओके नाइस नाइस डिसीज़न भाई, अच्छी तरीके से हो गई लैंडिंग। यहाँ पर पहले पिछले वाले व्हील्स, फिर आगे वाला व्हील। भाई पूरी प्रॉपर तरीका है पूरा का पूरा लैंडिंग। आप देखो ये आगे वाला व्हील आ गया एंड अब ये शांति से बढ़िया से लैंडिंग हो गई। तो आज की वीडियो तुम लोगों को बढ़िया लगी होगी, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। गुड बाय।